प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता के साथ हुई मारपीट, अभद्रता और जानलेवा हमले का मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सांसद संगम लाल गुप्ता मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन जब कार्रवाई में देरी नजर आई तो वह सीधे केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच गए और उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। ठोस कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद आज प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं में जहां एक तरफ उत्साह भरा तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को उन्हीं के गढ़ में अब सांसद संगम लाल गुप्ता उन्हें घेरने की कोशिश में जुट गए हैं। सांसद संगम लाल गुप्ता आज अठेहा, सांगीपुर, उदयपुर, महोखरी समेत कई गांव में पहुंचकर जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी का विकास और सभी का साथ लेकर लगातार चलती आई है और जल्द ही कांग्रेस के गढ़ में दिग्गज कहे जाने वाले कांग्रेस नेता को मात मिलेगी। उन्होंने दावा किया है कि वह 2022 के चुनाव में रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता ने। ये बताइए क्या प्रोग्राम जन चौपाल था और जन चौपाल के माध्यम से हम अपनी सरकार की योजना लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 4.5 साल जो विकास के कार्य किए हैं और निरंतर हम रामपुर खास में जन चौपाल के माध्यम से लोगों की जो हमारी सरकार की योजना है उसको प्राथमिकता से उनके तक कैसे पहुंचे। जिस तरीके सांगीपुर में बवाल हुआ उसके बाद लगातार आप रामपुर खास में हैं, कई दौरे चल रहे हैं, आपको इसका क्या कारण है? देखिए, हमारा रामपुर खास में आने का उद्देश्य यही रहता है कि रामपुर खास की जनता ने इस बार हमें 19 के चुनाव में 77,000 मत दिया था, तो उनका इतना बड़ा आशीर्वाद हमको मिला है। और निरंतर मैं, ऐसा नहीं है कि रामपुर खास में सांगीपुर में झगड़े के बाद मैं निरंतर आ रहा हूँ, उसके पहले भी हम आते थे और हमारे कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटे। चुनाव है 2022 में तो कार्यकर्ता हमारा टूटे नहीं, मनोबल नहीं टूटे, इसके लिए हम क्षेत्र में जनता के बीच में कार्यकर्ताओं के बीच में निरंतर हम बने रहते। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात किए थे जेपी नड्डा से, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात किए थे, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, आज भी हमको बुलाया गया है। जो उस प्रकरण में दोषी है उसकी गिरफ्तारी होगी, निर्दोष आदमी कोई उसमें फंसाया नहीं जाएगा। बात आप लोग के लिए है।